नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे अपने जीवन को सर्वसुलभ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हें सर्वश्रेष्ठ करने के लिए और सच मानो तुम्हें अपना बनाने के लिए। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सजाया, संवारा और सर्वसुलभ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके विवाह के पहले और विवाह के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान है। समाधान तुम खुद करते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है। तो चले आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, अगर आप किसी को चाहते हैं, अगर आपके अपने दिल में किसी के लिए जगह है, अरे सावधान हो जाओ। चाहत केवल और केवल प्रेम में, प्रेमी और प्रेमिका में ही कहां होती है। चाहत पति पत्नी के बीच में होती है, चाहत आपके अपने माँ बाप से आपकी हो सकती है, बच्चों और माँ बाप के तालमेल की भी चाहत हो सकती है, चाहत आपके व्यापार की, आपकी नौकरी की, जो भी दिल में तुम्हारी चाहत है वो कैसे कंप्लीट किया जाए, आज उस पर बात कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कि जो भी आप चाहते हो वो सब कंप्लीट हो सकता है सिर्फ एक नींबू काट देने से। अब ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि चौराहे पर नींबू रखा मिला और कहीं पर कुछ नींबू कटा हुआ दिखाई पड़ा, वहां पानी गिरा था, सिंदूर गिरा था। ये चौराहों पे तुम बहुत बार देखे और सुना भी खूब होगा तुमने। पर क्या ऐसा कुछ करके तुम स्वयं भी ठीक हो सकते हो? अब देखो, नींबू बहुत सामान्य वस्तु है, ये बहुत आराम से मिलती है, इसके लिए आपको कुछ भी बहुत मेहनत और परिश्रम नहीं करना, इसके लिए बहुत सारा धन भी खर्च नहीं करना। जिस चीज के लिए तुम बहुत परेशान होते हो, जो चीज तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, जो तुम्हारे लिए प्राण है, जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उसे पूरी तरह से आपको दिलाने की बात कर रहे हैं। जब तुम्हारे जीवन में प्राण संकट में होते हैं, जब तुम्हारे जीवन में सांसें ठीक से नहीं चल रही होती, जब तुम होते तो हो पर तुम नहीं होते, ये थोड़ी बात गहरी है, ध्यान से समझना होगा। जब तुम होते हो और तुम स्वयं नहीं होते, उसका नाम रियल प्रेम है, ये एहसास है, ये एक शायद बहुत अंतरंगता का शब्द है। प्रेम किसी से भी हो, मैं भगवान से प्रेम करता हूं, कोई अपने माँ बाप से प्रेम करता है और कोई अपने पार्टनर से प्रेम करता है, अपनी पति से कोई प्रेम करता है, कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है। प्रेम के बहुत सारे रूप हैं, पर प्रेम अपने आप में भगवान है। मैं अगर मांगूं तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आसिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ये प्रेम की जो वास्तविक पटल भूमि है वो भगवत कृपा है, ईश्वरी आराधना है, ये साधना है। और ये सच मानना, ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसे जीने के लिए पूरा का पूरा जीवन लग जाता है। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो छोटा नहीं है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा काम है। ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा सहयोग है। जो जोड़ियां ऊपर बनती हैं उन्हें नीचे रिपेयर करने का काम कर रहे हैं हम लोग, तो ये रिपेयरिंग थोड़ी बड़ी है, इसके लिए कहीं चले जाना। मैं पीछे बहुत बार कहता था ना कि किसी भी ढोगी पाखंडी के चक्कर में नहीं पड़ जाना, कभी भी किसी उल्टी सीधी जगहों पे मत चले जाना। मुझे बहुत बना किया गया कि आप नाम मत बोलो, आप ऐसे मत बोलो, आपके ऊपर लोग तंत्र कर देंगे और आपको लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं होता। देखो एक बात बड़ा ध्यान से समझना, जिसे लाखों लोग चाहने वाले हों उसे थोड़े से अपने शत्रु बना लेने चाहिए। कुछ लोग दिल में और कुछ लोग दिमाग में रखेंगे मुझे, मैं दोनों जगह रहने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम आज कह रहे हैं कि आप सारे के सारे ढकोसलों से बाहर आ जाइए। हम आज कह रहे हैं कि ये जितने भी पाखंड हैं, ये जितने भी प्रपंच हैं, इन सब चीजों से बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम ये सब खुद कर सकते हो, तुम स्वयं जानकार हो सकते हो और तुम सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो। हम रिपेयर करने के लिए तैयार है ना तुम्हारी गाड़ी को, तुम क्यों परेशान हो? हमारे पास बहुत सारे मैकेनिक हैं, हम 4000 लोगों को लेकर के बड़ी टीम के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं। हम आज की डेट में इंडिया में 100 से अधिक जगहों पर अवेलेबल हैं। आज हम इंडिया की लमसम सारी भाषाओं पे काम कर रहे हैं। हम हिंदी में काम कर रहे हैं, हम इंग्लिश में काम कर रहे हैं, मराठी में काम कर रहे हैं, बंगाली में काम कर रहे हैं, हम उड़िया, उड़ीसा, आसामिश में काम कर रहे हैं, हम तमिल, तेलुगु में काम कर रहे हैं, हम गुजराती में काम कर रहे हैं, हम सब जगह काम कर रहे हैं ना, आप क्यों परेशान हो? आप जिस भी भाषा, जिस भी संप्रदाय के हो, जिस भी व्यवस्था से आप अपना नाता रखते हो, हम सब जगह अवेलेबल हैं आपके साथ। तो आप निश्चिंत रहिए, इस व्यवस्था को हम नित्य
प्रतिदिन बड़ा कर रहे हैं और आपके लिए वो सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल करा रहे हैं जिससे तुम्हारा सब कुछ श्रेष्ठतम हो जाए और तुमको खुद को भी जगा रहे हैं। हर दिन 4 बजे आपके साथ होते हैं, आज फिर से हाजिर हूं मैं। आज मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आपको नींबू काटना है, अब वो काटने की पद्धति, वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम तुम्हें जानना है, सिर्फ करना सिर्फ उसी ढंग से है जैसे आपको बताया जाएगा। ये करते ही आपके अपने जीवन की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें कोई संकट है, तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो रही है, शारीरिक कोई पीड़ा है, तुम्हारी मानसिक कोई उत्पीड़न है, तुम्हारा कोई अमोघ ऐसा काम जो नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, या तुम्हारे दिल में कोई तकलीफ है, या तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, पति पत्नी में कुछ अनबन है, तो करके देखो ना, यह छोटा सा टोटका है, पहले दिन से, पहले क्षण से, पहले मिनट से फर्क पड़ेगा। अरे भाई मिनट बहुत ज्यादा कह रहा हूं, कुछ सेकंड्स में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। प्रारंभ तो करो, करके तो देखो, लेकिन हाँ, श्रद्धा विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। जब तुम्हारे जीवन में विश्वास होगा तब ये पूरा का पूरा कार्य फलीभूत होगा। नींबू का जो बेसिक आकार है वो प्रकृति का है, वो पृथ्वी का है, ये गोल है, और इसकी पूरी की पूरी जो बनावट है ना, वो पूरी की पूरी प्रकृति को दर्शाती है। जितने % भौगोलिक दृष्टि से जल चाहिए ना, उतनी है इसके अंदर, नाप के देख लेना, 75%, हाँ उतना ही होता है इसमें। आप चेक करके देख लीजिए, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, इसका पूरा का पूरा विज्ञान वैसे ही काम करता है जैसे पृथ्वी काम करती है। और पता है, असली सालिग्राम तुम्हारे पास हो तो दोनों के बीच में नींबू रख देना, नींबू अपने आप घूमने लग जाएगा। अब ये चमत्कार दिखाकर कितने सारे ढोंगी पाखंडियों ने तुम्हें पता नहीं क्या क्या ठगा होगा। हाँ, तो तुम सावधान हो जाओ, इस सारी के सारी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करा रहा हूं और तुम्हें सच में जागृत कर रहा हूं। तुम हो तो सब है, तुमने ही तो प्रधानमंत्री बनाए, तुमने तो राष्ट्रपति बनाए, तुमने ही सब कुछ किया है। भक्त नहीं होगा तो भगवान कहां होगा। मैं हूं तब जब तुम हो, तुम ठीक हो तो सब कुछ ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट कर लीजिए क्या करना, कैसे करना, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। मैं रमिता हूँ रांची से, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। आप मेरे लिए भगवान के तुल्य हैं। oh my God. मैं आपको भगवान ही मानती हूँ, बहुत विश्वास रखती हूँ आप पे। आपने जैसे बोला मैं वैसा कर रही हूँ और मेरी जिंदगी ठीक भी हो गई है। बस मेरा प्यार मुझे मिल जाए, उससे मेरी शादी हो जाए, यही कामना करती हूँ। और आप पर अटूट विश्वास है और मुझे भरोसा है कि मेरा काम हो जाएगा। और बहुत 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 थैंक यू, धन्यवाद, बहुत साधुवाद। परमात्मा आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद और खूब सारा वैभव लेके आए, आपका हर मनोरथ सिद्ध हो और आपके जीवन में खुशियां आए। अब करना सिर्फ आपको इतना है कि इसके लिए आपको चाहिए एक नींबू, एक चाकू और थोड़ा सा सिंदूर। अब इस पूरी की पूरी विधि को करने के लिए आपके अंदर पूरी श्रद्धा विश्वास चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए, ये सब तो आप जानते ही हो। किसी भी कार्य में आपकी सफलता तब होती है जब गुरु का आदेश होता है। क्यों? क्योंकि कोई उपाय काम नहीं करता, गुरु का आदेश काम करता है, उसकी शक्ति काम करती है, उसकी तपस्या काम करती है। क्योंकि तप बल बिप्र सदा बरियारा, तिनके कोपन को रखवारा, जिसके पास तप का बल है वही तुम्हें आदेश दे सकता है। तो कहीं भी आदेश लेने में चले जाना, किसी भी पाखंडी के पास मत खड़े हो जाना, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत। आपको पता है पहले एक कहावत थी, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। अब इसको उल्टा करने का काम है। अब गुरु करो छान के, पानी सिर्फ जान लो कि आरओ का है, सफिशियंट है, बिस्लेरी है, सफिशियंट है, जानना ही सफिशियंट है, पर गुरु को बहुत छानने की जरूरत है। खूब छान के, खूब समझ करके गुरु करना चाहिए। ये दो शब्द का जो ताकत है ना, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ ताकत है। आप किसी पत्थर में गुरु मान लोगे ना तो आपके काम बनने लग जाएंगे। तो चलो इस बात को लंबी नहीं करके आपको शॉर्टकट समझाता हूं। आपको करना सिर्फ इतना है कि इस नींबू को आपको 5 बार अपने ऊपर से उतारना है, 1-2 क्लॉकवाइज उतारना है, और उतारने के बाद चाकू में सिंदूर लगाकर इसको सीधा काट देना है। और काटते समय ओम हुम बोलना है। क्या बोलना है? ओम हुम, ऐसा कह के काट दीजिएगा और इसे कहीं भी बाहर फेंक दीजिएगा। सिर्फ इतना करने मात्र से विश्वास मानो, यकीन करो, पहले क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। तुम बहुत खुशहाल होगे, तुम व्यवस्थित हो जाओगे, तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो और तुम
खूब खुश रहने की कोशिश करना, पानी खूब पीना, अपने को सुंदर बनाना, अपना ध्यान रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, भगवान शिव तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। नमः शिवाय।